रात को सोते वक्त गंदे सपने आते रहते हैं, गंदे विचार आते रहते हैं, डरावने सपने आते रहते हैं। पूरी रात नींद तो आती है, पर नींद में सपने ही सपने आते रहते हैं। तो नींद आई और नहीं आई, दोनों एक ही बात है। और ये समस्या बहुत सारे भक्तों के साथ होती है, बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि उनको जब भी वो सोए, चाहे दिन में सोए चाहे रात में सोए, उनको सोते ही जैसे उनको नींद लगती है, उनको आंखें लगती हैं, उनकी आंखें बंद होती हैं, उनकी तुरंत उनको अजीब से एक अजीबो गरीब डरावने से सपने आने लगते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक भी तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और गुरु महाराज की अलख को घर घर तक जगाने के हमारे मिशन में सहयोग कर दिए, जुड़ जाइए। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय ओसीद्वा महाराज की, जय धामहार की, जय बागड़ की सरकार की, जय जाहरवीर महाराज की, जय बोलो श्री गुरु गोरखनाथ तेरी सदा ही जय हो। तो दोस्तों, अक्सर समस्या होती है कि हम लोगों को रात को जैसी हमें नींद लगती है, दिन में रात में हमें जब भी आंखें हमारी लगती हैं, हमें गंदे सपने आते हैं, अजीबो गरीब सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है सपनों में हमें कोई दिखाई देता है। हम लोग बहुत सारे लोगों की समस्या होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी हमें सपना आया, सपने में हमें दो लोग दिखाई दिए, तीन लोग दिखाई दिए। बहुत सारे लोगों को अपने पितृ दिखाई देते हैं, जो उनके पितृ स्वर्गवासी हो चुके होते हैं वो दिखाई देते हैं, घर का कोई बड़ा, घर का कोई छोटा, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका होता है वो दिखाई देता है। तो ऐसा होता है अक्सर। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि आप जब रात्रि का समय है, अगर सोने के लिए है तो आप सोइए, आराम से सोइए, और उस वक्त आपको ये सपने परेशान नहीं करने चाहिए, उस वक्त ये सपने नहीं आने चाहिए, चाहे किसी भी तरीके के हो। तो आज चलिए इस बीमारी का जो जड़ है उसको जड़ से ख़त्म कर देते हैं बाबा की कृपा से। एक उपाय मैं आपको बताऊँ, छोटा सा उपाय है, बहुत छोटा सा, और उस उपाय से आप जो है इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। आपको करना क्या है वो सुन लीजिएगा। आपको रात को सोने से पहले, जैसे आप सोने चलने वाले हो, बिल्कुल जब एंड लाइट, मतलब समझ लीजिए आप लाइट बंद कर रहे हैं कमरों की, उस वक्त की बात कह रहा हूँ। ये नहीं कि भाई रात को 11 बजे सो रहे हैं और 7 बजे आप प्रयोग कर रहे हैं, 8 बजे आप प्रयोग कर रहे हैं, नहीं। जब आप सोने जा रहे हैं बिल्कुल अंत, सोने से जस्ट पहले, जब आप लाइट को बंद करने वाले हैं जस्ट पहले, आपको बाबा महाराज से प्रार्थना करनी है कि बाबा महाराज, मेरे को जो ये सपने आते हैं, अजीब गरीब सपने आते हैं, जो गंदे डरावने सपने आ रहे हैं, मुझे इनसे मुक्ति दे दीजिए और मुझे चैन की, सुकून की नींद प्रदान कर दीजिए। ऐसे बाबा से प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़ने हैं आपको। उसके बाद तांबे का लोटा लेना है आपको। तांबे का लोटा बाजार में बहुत आराम से अवेलेबल है, आपके अगर घर में नहीं हो, नॉर्मली तो सबके घर में मिल जाता है तांबे का लोटा, अगर अवेलेबल नहीं हो तो बाजार में बहुत प्यार से अवेलेबल है। और लोटे का मतलब नहीं है ऐसे इतना बड़ा लोटा, छोटी लुटिया भी ले सकते हैं जिससे हम गंगा जल में पूजा वगैरह में प्रयोग करते हैं वो। तो आप छोटी लुटिया ले लीजिए या बड़ा लोटा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो तांबे का, आप वो ले लीजिए। उसमें जल भरिए, उस जल में 2-4 बूंद गंगा जल की मिलाइए। जल तैयार हो गया, तो जो जल तैयार हुआ है उस तैयार जल को बाबा से प्रार्थना करने के बाद अपने सिर के ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 7 बार लगाने के बाद, घुमाने के बाद में, जहाँ भी आप सो रहे हैं अपने सिरहाने, यानी कि जिधर आपका सिर है उस तरफ रख लेंगे। अगर आपका जैसे सपोज आप बेड पर सो रहे हो, आपके बेड में सिरहाना बना हुआ, जहाँ रखने की चीज़ें, जगह रखने की जगह है, तो आप उसके ऊपर रख लें सिर की तरफ, अपने सिर की तरफ। या आप बेड पे नहीं सो रहे हैं, या ऐसे बेड पर सो रहे हैं जिसमें सिराना नहीं है, खाट पर सो रहे हैं, चारपाई पर सो रहे हैं, आप सिंगल फोल्डिंग पर सो रहे हैं, या नीचे ज़मीन पर सो रहे हैं, जैसे भी आप सो रहे हैं, तो जिधर आपका सिर होगा, सिरहाना उसे कहते हैं, जिधर आप सिर रखते हैं अपना, जिस भी दिशा में जिस भी जगह आप अपना सिर रखते हैं वो सिरहाना होता है। तो अपने सिरहाने के पास में उस जल को भल के रख लें, बाबा से प्रार्थना करें और सो जाए। बस इतना सा काम,
सोने से पहले बाबा महाराज से प्रार्थना करनी है कि बाबा महाराज जितने भी हमारे ये जो उल्टे सीधे सपने हैं, गंदे सपने हैं, डरावने सपने हैं, इनसे मुझे मुक्ति दीजिए, मुझे चैन की नींद दीजिए। तांबे के एक छोटी लुटिया का बड़ा लोटा जो भी आपके पास है उसमें जल लेना है, उसमें गंगा जल मिलाना है, गुरु महाराज के पास है, उसको 7 बार अपने सिर के ऊपर से उतारना है क्लॉकवाइज में, ध्यान रखिए डायरेक्शन का क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उतारना है। उसके बाद उसे अपने सिरहाने रखना है, जिस भी तरफ आप सो रहे हैं, जिधर आपका सिर है उधर रखना है, जैसे भी आप रख पाए ठीक है, उसको रख के और सो जाइए। सोने के बाद सुबह जब आप उठेंगे और आपको आपको नींद में हो सकता है 1-2 दिन इसके बाद भी आपको सपने आए, इतना करने के बाद भी हो सकता है 1-2 दिन आपको सपने आए ठीक है, बट पहले से क्वांटिटी कम हो जाएगी, नंबर ऑफ सपना कम हो जाएंगे, नींद आपको चैन की आनी शुरू हो जाएगी ठीक है। आप इसको 2-3 दिन कीजिए, हफ्ते भर कीजिए इसको, 1 हफ्ते में आपके सारे सपने खत्म हो जाएंगे, आपको अच्छी चैन की नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा चैनल को, और बाबा महाराज की अलख जगाते रहिएगा, गुरु महाराज सभी पर अपनी कृपा करें ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जाहरवी महाराज, जय जय धाम महाराज, पाकर की सरकार की जय।